किसानों के आंदोलन को आज 82 दिन हो गए हैं, लेकिन कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हैं। किसान लगातार आंदोलन को तेज करने के संकेत दे रहे हैं, तो आज क्या रहा अन्नदाताओं के दिन भर का हाल, देखिए ये रिपोर्ट। किसान अपनी मांग मनवाने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, लेकिन सरकार ना उनके आंदोलन पर ध्यान दे रही है और ना ही उनकी मांगों पर। सर्दी शुरू होने से पहले शुरू हुआ यह आंदोलन अब गर्मी के सीजन की ओर बढ़ रहा है। किसानों ने साफ कर दिया है कि सर्दी हो या गर्मी, आंदोलन में नरमी नहीं आएगी। किसानों ने अब गाजीपुर बॉर्डर पर गर्मी के लिए अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से लगातार हो रही अनदेखी के बाद अब किसान अपनी रणनीति में बदलाव करने में जुटे हैं, जिसके चलते किसान गाँव गाँव और शहर शहर पंचायत कर रहे हैं। इसके साथ ही किसानों ने कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है, जिसके मद्देनजर कल यानी 16 फरवरी को किसान सर छोटू राम की जयंती के अवसर पर किसान एकजुटता दिखाएंगे। वहीं 18 फरवरी को किसानों ने रेल रोको अभियान चलाने का फैसला किया है, जिसके मद्देनजर 4 घंटे तक रेल पटरियों पर थमी रहेगी। वहीं इसी बीच कृषि कानूनों पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ज्यादा दिमाग खराब ना करे, अभी तो किसानों ने कानून वापसी का नारा लगाया है, गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया। इसलिए केंद्र हमारी बात मान जाए, सरकार आप बनाते रहो, चलाते रहो, जो करना है करो, लेकिन आप हमारे काम करते रहो। सरकार किसी की भी हो, हम सरकार से किसानों की पॉलिसी पर बात करेंगे। अब राकेश टिकैत ने तो अपनी ओर से चेतावनी दे दी है, लेकिन क्या सरकार अब भी अपने पुराने रुख पर कायम रहेगी या फिर किसानों की मांग पर गौर करेगी, ये तो समय आने के साथ ही पता चलेगा।